हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पंडित जी पर। मेरा नाम है हरि प्रकाश। जैसा कि आपको पता ही है कि डेली मॉर्निंग में सुबह 7 बजे हम यहां पर करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। जो भी आपके आने वाले एग्जाम है, बैंक हो, रेलवे हो, SSC हो या कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम हो, सभी के लिए करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज के नए ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो करंट अफेयर्स बहुत पूछा जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमें डेली लाइफ में भी जानना चाहिए कि हमारे देश विदेश में क्या सारी चीज़ें, नई चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो उसी की सीरीज में आज हम यहाँ पर कुछ करंट अफेयर्स की न्यूज़ डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों तक ये चीज़ शेयर करिए। चलिए देखते हैं आज सबसे पहले आज की पहली न्यूज़। भारतीय सेना की सिग्नल कोर की अधिकारी हैं कैप्टन तानिया शेरगिल। इनको क्या किया गया है कि 26 जनवरी 2020 मतलब गणतंत्र दिवस पे परेड जो होती है दिल्ली में, उसमें एडजुटेंट की भूमिका निभाने की पहली महिला सेना अधिकारी बनेंगे। इसका साफ मतलब यह है कि जो वहां पर परेड होगी उसको ये लीड करेंगे, है ना। तो ये लीड करने वाली पहली सेना की महिला अधिकारी बनेंगे। उनका नाम क्या है? कैप्टन तानिया शेरगिल। ओडिशा के पुरी को प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की पहल के लिए स्वच्छता दर्पण पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। अब यह अवार्ड बेसिकली दिया क्यों गया है स्वच्छता के लिए, कि जो भी प्लास्टिक्स होती है, चाहे प्लास्टिक बॉटल की बात करें या पॉलीथीन है या जो भी प्लास्टिक बैन अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है कि सब जगह प्लास्टिक बैन किया जा रहा है, तो उसके लिए वहाँ पर नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई हैं कि प्लास्टिक को, अगर प्लास्टिक पोल्यूशन होता है तो उसको किस तरीके से रोका जा सके, या अगर कहीं पर बॉटल है तो उसका किस तरीके से यूटिलाइज किया जा सके। बहुत जगह रोड भी बन रही है प्लास्टिक के, नई नई चीज़ें हो रही हैं। तो इसके प्रबंधन करने के लिए, मैनेजमेंट के लिए ओडिशा के पुरी है एक जगह, उसको स्वच्छता दर्पण पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। आज की तीसरी न्यूज है कि अरुणाचल प्रदेश में प्रसिद्ध परशुराम कुंड मेला आरंभ हो गया है। तो अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि परशुराम कुंड मेला कहां आयोजित किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? अरुणाचल प्रदेश। योग के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के 10 वर्षीय ब्रिटिश छात्र ईश्वर शर्मा, जो कि इंडिया के हैं और वहां अमेरिका में रहते हैं, इनका ये इंडिया में है मैसूर से, ईश्वर शर्मा ने ग्लोबल चाइल्ड प्रोगडी अवार्ड अपने नाम किया है। अब ये अवार्ड क्यों दिया गया है कि योग के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा अपना योगदान दिया है और योग को ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए इन्होंने काम किए हैं। 45 देशों में 100 से ज़्यादा भी कार्यक्रम इन्होंने किए हैं और 10 वर्ष इनकी एज है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, जो कि कहाँ से हैं? नागपुर से, ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 प्रदान मिला इनको। अब ये क्यों मिला है? इनको मिला है कि वहाँ की जो रोड रहे, ये पूरे इंडिया के रोड की बात करें, उसकी साफ सफाई या टोल नाके में पहले जो प्रॉब्लम होती थी, अब बहुत सारी चीज़ें नई नई इंट्रोड्यूस की जा रही हैं। रोड की साफ सफाई, आवागमन को सुनिश्चित करना, एकदम सुगम बनाना, स्मूथ बनाना, है ना, ट्रैफिक रूल हो गए, ये सारी चीज़ें इसके लिए इन्होंने क्या है, इनको अवार्ड दिया गया है, नेशनल हाईवे एक्सीलेंस अवार्ड 2019। और ये कहाँ दिया गया है? न्यू दिल्ली में। भारत और बांग्लादेश के सूचना और प्रसारण मंत्रियों की बैठक 2020 में नई दिल्ली में आयोजित की गई है। अब यहाँ पे क्या किया गया है कि भारत का जो रेडियो चैनल है प्रसार भारती और बांग्लादेश का है बेतार रेडियो, उन दोनों का एक तरीके से रिलेशन अच्छे बनाने के लिए कि यहाँ के जो कार्यक्रम होते हैं वहाँ पे सुनाई देंगे और वहाँ के कार्यक्रम यहाँ पे सुनाई देंगे। तो इससे क्या है कि दोनों देशों के बीच रिलेशन अच्छे होंगे और यहाँ के जो दोनों देशों के लोग हैं वो एक दूसरे को आपसी समझ बना पाएंगे और मनोरंजन भी होगा, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसकी मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है 2020 की? नई दिल्ली में। आनंद प्रकाश महेश्वरी को विश्व के सबसे बड़े अर्ध सैनिक बल CRPF केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा कि अब से अगर आपसे CRPF के DG पूछे जा रहे हैं तो ये हैं आनंद प्रकाश महेश्वरी, और इन्होंने रिप्लेस किया है राजीव राय भटनागर, जो कि काफी लंबे समय से थे। अगली न्यूज है कि 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है, और ये जो इस साल सेना दिवस मनाया गया ये 72वां सेना दिवस है, मतलब 72 एडिशन है इसका। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD, द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और MDE इज सेलिब्रेटिंग इट्स 145th फाउंडेशन डे ऑन 15 जनवरी 2020। IMD वॉज क्रिएटेड इन 1875। जो IMD है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। तो 15 जनवरी को दो दिवस मनाए जाते हैं, एक मनाया जाता है सेना दिवस और 15 जनवरी को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, जो इस साल 145वें नंबर का था। वयोवृद्ध ओडिया फिल्मकार मनमोहन महापात्रा का निधन हो गया है।
है ना। तो अगर पूछा जाए कि मनमोहन महापात्रा जिनका हाल ही में निधन हुआ ये किस राज्य से संबंधित थे, तो ये उड़ीसा के थे और उड़िया फिल्मकार थे। ठीक है, अब इन्हें एक नाम के रूप में जाना जाता था, न्यू वेव उड़िया सिनेमा के पिता। ठीक है, आज के लिए इतनी न्यूज़, बाकी चीज़ें अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।